हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है नई दिल्ली से दरभंगा जंक्शन तक चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है संपर्क क्रांति टाइप की ट्रेन है और इसे ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। अगर हम बात करें बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के ट्रेन नंबर के बारे में तो इसका ट्रेन नंबर है 125/66 और ये 21 घंटे में अपनी जर्नी जो है कवर करती है दिल्ली से दरभंगा जंक्शन तक की। और इसके तकरीबन 12 स्टेशन हैं। दिल्ली से दरभंगा जंक्शन की जो दूरी है वो 1168 किलोमीटर की यह कवर करती है और ये सुपरफास्ट ट्रेन है। इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 56 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करें इसके कोचेस के बारे में तो इसमें ICF के कोचेस दिए गए हैं। अगर हम बात करें इसके किराए के बारे में तो इसमें फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। इसका जो फर्स्ट AC का जो किराया है वो है 3495 रुपये। ये जो मैं आपको किराया बता रहा हूँ ये नई दिल्ली से दरभंगा जंक्शन तक का बता रहा हूँ। बाकी आप अपडेटेड किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कन्फर्म कर लें। सेकंड टीयर AC का जो किराया है वो 2050 रुपये है, जिसमें GST चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। AC थर्ड टीयर का जो किराया है वो है 1420 रुपये। इसके अलावा इसमें स्लीपर क्लास के भी कोच है। स्लीपर क्लास में GST चार्ज नहीं लगता, इसमें सिर्फ रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। इसके अलावा इसमें जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं जिसका किराया जो है 300 रुपये के करीब है। ये किराया आप किसी भी रेलवे टिकट काउंटर पर जाकर भी कन्फर्म कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में पेंट्री कार की फैसिलिटी भी साथ में है, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यह फूड फैसिलिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं टिकट के अलावा भी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं कि नई दिल्ली से दरभंगा जंक्शन तक इसके कौन कौन से स्टेशन से आते हैं। दोस्तों, जो बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है वो नई दिल्ली से रोजाना दोपहर के 2:15 पे 14 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। इसके तकरीबन 12 स्टेशन हैं और नई दिल्ली से दरभंगा की जो दूरी है ये 21 घंटे में कवर करती है। दूसरा जो स्टेशन है वो है कानपुर सेंट्रल, यहाँ पर ये रात के 8:15 पे पहुँचती है और 5 मिनट बाद 8:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है 8 या 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है ऐशबाग स्टेशन में पहुंचती है। ऐशबाग स्टेशन में ये 9:48 पे पहुंचती है और 9:58 पे वहां से रवाना हो जाती है रात को। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बादशाह नगर में पहुंचती है। बादशाह नगर में ये ट्रेन जो है 10:15 पे सुबह रात को पहुंचती है और 3 मिनट बाद 10:18 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है गोरखपुर जंक्शन में पहुंचती है रात के 2:45 पे और 10 मिनट बाद 2:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और 786 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है नई दिल्ली से। उसके बाद ये ट्रेन जो है बिहार में सिवान जंक्शन में पहुंचती है सुबह 4:30 पे और 4:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है वो छपरा जंक्शन में पहुंचती है सुबह 6:05 पे और 6:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है अपने 8वें स्टेशन सोनपुर जंक्शन में पहुंचती है सुबह 7:16 पे और 7:18 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। और नई दिल्ली से सोनपुर की जो दूरी है वो 1020 किलोमीटर की ट्रेन जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद दोस्तों ये ट्रेन जो है हाजीपुर जंक्शन में पहुंचती है सुबह 7:28 पे और 7:33 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 1025 किलोमीटर की जर्नी जो है ये नई दिल्ली से कवर कर चुकी होती है। उसके बाद दोस्तों इसका जो 10वां स्टेशन है वो है मुजफ्फरपुर जंक्शन, यहां पर ये ट्रेन जो है सुबह 8:35 पे पहुंचती है और 8:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है और 1078 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है समस्तीपुर जंक्शन में पहुंचती है। समस्तीपुर जंक्शन जो है बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का सेकंड लास्ट स्टेशन है। यहां पर ये ट्रेन जो है सुबह 9:45 पे पहुंचती है और 21 मिनट बाद 10:06 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन दरभंगा जंक्शन में पहुंचती है सुबह 11:15 पे और 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। दोस्तों, इसी के साथ बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को।